Hello, Moshe. Hello, Hamdan. Hamdan is very happy today. You, Hamdan, are you happy? Bye, bye, monkey. Oh no, bad habit. अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हमने आज सुबह ट्रेन लेनी है और जो कि हम बिल्कुल मिस कर चुके थे, भाग भाग के पकड़ी है ट्रेन, मतलब सिर्फ एक सेकंड और लेट होते हैं, मतलब जैसे ही हमने ट्रेन में कदम रखा है और ट्रेन चल पड़ी थी। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि ट्रेन हमें मिल गई है। ये है कोलंबो शहर का नज़ारा। इस वक्त ट्रेन में साउंड बहुत ज़्यादा है तो पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है नहीं, लेकिन श्रीलंका की जो ट्रेन है ना वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कोलंबो में तो इतने अच्छे व्यू नहीं है, लेकिन आगे जाके कैंडी में है या कैंडी से आगे जो है ना बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और ये ट्रेन जो है ना बहुत ही फास्ट जा रही है काफ़ी। और हमदान जो है ना डैडी के साथ बैठा है आज। हमदान, आर यू हैप्पी बड़ी? आर यू हैप्पी? और ये हमदान का फर्स्ट टाइम है ट्रेन में, मतलब मेट्रो में तो बैठा है दुबई में, लेकिन जो रेलवे है या जो ट्रेन है ना उसमें फर्स्ट टाइम है। पूरे रास्ते में जो है ना सिर्फ कोकोनट ट्री नज़र आ रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका जो है ना बहुत मशहूर है अपने किंग कोकोनट की वजह से। फुल ग्रीन है वो एकदम। जी तो गाइस, व्यू चेक करो, बहुत ही कमाल के चला रहे हैं बिल्कुल। लेकिन ये ट्रेन जो है ना बहुत फास्ट है। देखो किस कदर हरे भरे हरियाणा है। मुझे जो है ना ग्रीनरी बहुत पसंद है, क्योंकि 10 साल में से मैं दुबई में रह रहा हूँ तो वहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी और बारिश होती है। कमाल के व्यू है यार। अभी तक तो सिर्फ कोलंबो ही चल रहा है और आगे जाके जब कैंडी पहुँचेगा ना तो और भी ज़बरदस्त नज़ारे होंगे, क्योंकि फिर जो ट्रेन जो है ना वो पहाड़ के ऊपर से जाती है। और सरप्राइजिंगली आज जो ट्रेन है उसमें काफ़ी रश भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो एक ट्रेन जाती है ना वो सुबह 5 बजे गई थी, वो एक टूरिस्ट ट्रेन है, वो स्पेशल टूरिस्ट के लिए बनाई है वो ट्रेन। रास्ते में देखो कितना खूबसूरत से ये गांव है छोटा सा, लेकिन फिर भी जो सड़कें जो है ना वो मजबूत हैं, यहाँ के छोटे छोटे घर हैं। और श्रीलंका में लोग सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, क्योंकि रात को जो है ना तकरीबन 8-9 बजे बिल्कुल सन्नाटा हो गया था, कल शहर के अंदर बिल्कुल सन्नाटा हो गया था, इमेजिन करो आप। और श्रीलंका की ट्रेन काफ़ी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर है, मतलब जो टाइम टिकट पे लिखा हुआ था ना एग्जैक्ट उसी टाइम पे निकली है। मुझे लगा कि शायद डिले होगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, शार्प टाइम शॉर्ट निकली है। अब पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा है शोर। और अब ये स्टेशन पर रुक रही है ट्रेन, यहाँ पर काफ़ी लोग चढ़ेंगे शायद, ये ब्रेक लगेगा अभी। जी तो गाइस, ये है रेलवे स्टेशन, यहाँ से दिखा, ये रेलवे स्टेशन से चेक करो गाइस। जी तो गाइस, आज श्रीलंका में भी ईद है और कोलंबो में तो मुझे बहुत ज़्यादा मुसलमान नज़र आए, काफ़ी ज़्यादा तादाद में मुसलमान हैं यहाँ पर सरप्राइजिंगली।
और बहुत अच्छे मुसलमान अच्छे लोग हैं जनरली। श्रीलंकन पीपल जो है ना बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं, जहाँ तक अब तक जो भी मुझे मिला है बहुत ही हेल्पफुल है। हमारी ट्रेन निकलने वाली थी, एक बंदा बेचारा जो स्टाफ था वहाँ स्टेशन का, उसने बड़ी हेल्प की है, लास्ट मिनट पर उसने जाके बैग पकड़ा है हमारा, काफ़ी हेल्प। पूरे रास्ते में से बनाना ट्रीज, कोकोनट ट्रीज, हर जगह मतलब लगता है नेचुरल नेचुरली ग्रो होते हैं। देखो सामने कितने कोकोनट लगे हैं, हर ट्री पे मुझे कोकोनट नज़र आ रहे हैं। और ये एक ऑयल वाली ट्रेन खड़ी हुई है, एक और स्टेशन आ गया अभी जहाँ पर ट्रेन रुकेगी शायद। जी तो गाइस फाइनली हम लोग जो है ना कैंडी पहुँच गए, और यहाँ पर एक आध घंटा हम लोग लंच ब्रेक लेंगे, उसके बाद दूसरी ट्रेन लेनी है हमें एला के लिए। और कैंडी स्टेशन जो है कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत ही ज़बरदस्त है।